इसके लिए बनाने के लिए हमने लिया है कटी हुई भिंडी, भिंडी और ऑनियन, धनिया, लेमन, गरम मसाला, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी। चलो हम बढ़ते हैं पैन की तरफ। चलो हम अभी भिंडी को करते हैं फ्राई। के लिए डाला है, उसके लिए डाला है हमने थोड़ा सा ऑयल। अब डालेंगे हम इसके लिए भिंडी। चलो अब इसके लिए करते हैं हम फ्राई। देखिए अब भिंडी फ्राई हो रही है अच्छी तरह से। 5 मिनट के लिए भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है ये। तो हम इसको निकालेंगे प्लेट। देखिए अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। देखिए हमने अब इसको प्लेट में निकाल दिए है। अब हम बनाएंगे भिंडी फ्राई। इसके लिए हमने डाला है 1 चम्मच ऑयल पैन में। अब हम इसके लिए डालेंगे अनियन। अब हम ऑनियन को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, चिली पाउडर और हल्दी और गरम मसाला डालेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन। जो भी फ्राई की हुई भिंडी थी हम उसमें डाल देंगे। अब हम इसको फ्राई होने देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम डालेंगे डेकोरेशन के लिए धनिया। देखो भिंडी कितनी अच्छी तरह से पक रही है। अब हम इसको क्लोज करके 5 मिनट तक पकने देंगे। लो फ्लेम में हमने 5 मिनट तक पका दिया है और ये रेडी है। ये है रेडी टू ईट। तो हम इसको थोड़ा चपाती के नहीं तो रोटी के साथ ईट करते हैं। थोड़ा मेरे पास चपाती। अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको नए नए रेसिपी मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।